एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज देखिए, आज हम आपको 1 से 30 तक परमाणु संख्या, तत्वों का नाम, प्रतीक यानी सिंबल और आपको परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के बारे में बताएंगे। ये आपका केमिस्ट्री का 1 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको याद किए बिना आपके लिए केमिस्ट्री क्या अधूरा है। तो 1 से 30 तक, अगर 30 तक नहीं हो सके तो 20 तक तो आपको ज़रूर से याद करना है, नहीं तो कोशिश करें कि आप कहाँ तक याद हो जाए, 30 तक याद हो जाए। तो चलिए 1 से 30 तक हम आपको बताते हैं। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो, नहीं तो वीडियो को अंतिम तक देख करके लिख सकते हो। तो देखिए, 1 नंबर में होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और इसका परमाणु द्रव्यमान भी होता है 1। 2 में होता है हीलियम। हीलियम का हम लोग प्रतीक लिखते हैं HE और 4। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हीलियम, ये प्रतीक जो होता है ये क्यों दिया गया। प्रतीक होता है ना कि शॉर्टकट में लिखने के लिए, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, सिंबल है। अब हम लोग ऐसे तो बार बार नहीं लिख सकते ना, जैसे कि H2SO4 हम लोग कितना छोटा में लिख दिया ना, लेकिन अगर लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल तो कितना बड़ा जाता है ना। अगर हम लोग लिखते NaHCO3 क्या एकदम छोटा सा एक वर्ड में हो गया, लेकिन अगर इसका पूरा नाम लिखते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या लंबा हो जाता है ना। तीसरा में चलते हैं लिथियम। लिथियम का प्रतीक होता है Ni और परमाणु द्रव्यमान 7। चौथा में बेरिलियम। बेरिलियम का Be और परमाणु द्रव्यमान 9। पाँचवा में बोरॉन। बोरॉन का होता है Be और आपका परमाणु द्रव्यमान 11। फिर आपका 6 में होता है कार्बन। कार्बन का C और परमाणु द्रव्यमान 12। 7 में होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का N और आपका ये होता है 14। फिर 8 में आपका होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का O और आपका 16। देखिए, आपका जो है ना बोर्ड एग्जाम में इसमें इससे आपका 4-5 नंबर तो कोई रोकने वाला नहीं, आपको कुछ भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कार्बन का परमाणु संख्या बताइए, कार्बन का द्रव्यमान बताइए, कार्बन का प्रतीक बताइए। आपको इस तरह से इसलिए आपको 30 तक याद कर लेना। और देखिए, अगर आपको जहाँ तक कि सबसे अधिक पूछा जाता है कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा गया, लेकिन ये नहीं है कि अभी तक पूछा गया तो आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए आपको 30 तक याद कर लेना। फिर 9 में देखिए, फ्लोरीन का F होता है 19। 10 में नियोन। नियोन का Ne 20। सोडियम 11, Na और 23। मैग्नीशियम का होता है 12, Mg 24। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का होता है 13, An 27। सिलिकॉन का होता है 14, Si 28। फिर 15 में आपका होता है फास्फोरस का P होता है 31। फिर आगे देखते हैं, फास्फोरस के बाद 16 में सल्फर, ठीक है, सल्फर को गंधक भी बोला जाता है। हमने आपको क्वेश्चन बैंक में बताया था ना, वहाँ पर पूछ रहा था कि गंधक का परमाणु संख्या कितना है, तो 16। तो सल्फर का H32, क्लोरीन का 17, Cl 35, आर्गन का 18, Ar परमाणु द्रव्यमान 40। देखिए, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों का परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है, 40 40 40, ठीक है। आर्गन को Ar, पोटेशियम को K, कैल्शियम को Ca। 21 में देखिए आपका स्कैंडियम। 21 में आपका क्या है, स्कैंडियम Sc 45। टाइटेनियम 22, Ti 48। वेनेडियम 23, V 51। क्रोमियम Cr 52। फिर मैग्नीज आपका 25 में Mn, ठीक है। मैग्नीशियम और मैग्नीज में कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैग्नीशियम में Mg, ठीक है, और मैग्नीज में Mn। मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है, और आपका मैग्नीज का होता है 25, यानी उसके दुगुना से एक अधिक, ठीक है। उसके बाद तो मैग्नीशियम का 55, आयरन का 26, Fe 56, कोबाल्ट का 27, Co 59, निकेल का 28, Ni 59, कॉपर का 29, Cu 64। आगे चलते हैं, देखिए 30 नंबर में जिंक का Zn 65। तो इस प्रकार से देखिए आपका 30 तक हो गया। एक बार जो है ना, हम आपको 1 से 30 तक सिर्फ इसको बताते हैं। आपको देखिए इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, परमाणु संख्या जो है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है। अगर देखिए, आपने सोचा होगा ना कि सर आपने इतना फास्ट में, यानी कितना मुश्किल से 20 सेकंड में पूरा कैसे बता दिया। तो जब आपको याद होगा ना 1 से 30 तक, तो आपको यानी बिना देखे भी आप कंटिन्यू बोल सकते हो,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, जब आप याद कर पाओगे ना, यानी जिस दिन आप एक बार एक से तीस तक बिना बोले रुक जाओगे ना, तो आपको यानी कन्फर्म हो जाएगा कि एक से तीस तक आपका पूरा याद हो गया। और मैक्सिमम ऑफ द यूज जो होता है ना, देखिए यूज तो पूरा होता है, अगर जो चीज़ है उसका यूज तो पूरा होगा 106 तक 108 तक जहाँ तक भी है होगा तो पूरा, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूज होता है, मैक्सिमम ऑफ द यूज जो होता है वो आपका 30 तक होता है। 30 तक अगर आप याद कर लोगे इंटर के लिए आपका मैक्सिमम ऑफ द काम हो जाएगा। क्लास 10 तक में आपका 20 तक होता है, लेकिन आपका 30 तक थोड़ा बहुत जरूर आता है, यानी 75% काम आपका 20 तक हो जाएगा, 25% में 30 तक का ज़रूरत पड़ेगा, तो क्यों ना हम 30 तक याद कर लें। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप अभी तक हमारे WhatsApp ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।